लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तूने बारकिया को टैक्सी की चाबी नहीं बल्कि मौत की चाबी दी थी। क्या सोचकर यह फैसला किया था तूने? राजन, मैं कई दिनों से यह देख रहा हूं कि तू अब वो राजन नहीं रहा, वो साला दो टके का आदमी जो राणा के छोकरे को मारकर तेरे पास मदद के लिए आया था, वो तुझे गालियां देकर चला गया और तूने कुछ नहीं किया। क्या चाहता है तू कि मेरी कंपनी में कोई भी बाहर का आदमी नहीं आए और मेरी कंपनी के सारे छोकरे बाहर चले जाएं? भाई, मैं चाहता हूं कि हम सब आजाद हो जाएं। तंग आ गया हूं मैं ऐसी जिंदगी से। आप ही बताइए कब तक चलेगा यह सब? देख राजन, जब तूने कंपनी छोड़ने का फैसला किया था तो मैंने बिल्कुल दखल नहीं दिया, क्योंकि यह तेरी अपनी जिंदगी थी। लेकिन तुझे दूसरों की जिंदगी के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है। और मेरे होते हुए तूने ये फैसला किया कैसे? अभी जलील भाई जिंदा है। भाई, वो मेरा दोस्त था। लेकिन वो मेरे लिए काम करता था और तू भी मेरे लिए काम करता है। मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पर चढ़ बैठे। मुझे बारकिया की मौत का बिल्कुल अफसोस नहीं है। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मुझसे पूछे बगैर तूने उसे धंधे से निकाल दिया। तू अब भी मेरे काम का आदमी है, इसलिए तेरी गलती माफ करता हूं। मगर ध्यान रख, जिस दिन मुझे यह महसूस हुआ कि तू मेरे काम का आदमी नहीं है, उस दिन मैं तुझे समझाऊंगा नहीं, तू खुद ब खुद समझ जाएगा। जानती हो ज्योति, हम लोगों की जिंदगी एक शेर की जिंदगी की तरह होती है। कहने को तो वो राजा होता है, मगर उस बेचारे को अपनी पूरी जिंदगी जंगल के ही दायरे में जीनी पड़ती है। जैसे ही वो उस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लोग या तो उसे मार देते हैं या फिर पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। हमको भी बिल्कुल इसी तरह अपनी जिंदगी अपने इस छोटे से दायरे में जीनी पड़ती है। जैसे हम इस दायरे से बाहर आने की कोशिश करते हैं, या तो मारे जाते हैं या फिर पुलिस पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देती है। बस यही खत्म हो जाती है हम जैसों की जिंदगी। ये तुम्हें क्या हो गया है? भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ज्योति, आप कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। राजन, तुम लोग आपस में झगड़ा करने की बजाय समझौता क्यों नहीं कर लेते? इस दुनिया में लड़कर कभी कोई रास्ता निकला है? और अगर निकला भी है तो सिर्फ प्यार से, समझौते से। सिर्फ प्यार से, समझौते से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? समझौता तो हो ही नहीं सकता। मेरे और राणा के बीच में जो दुश्मनी है वो सिर्फ राणा की मौत से ही खत्म हो सकती है। मौत से दुश्मनी खत्म नहीं होती, दुश्मनी बढ़ती है जलील भाई। एक रोज आप ही ने तो कहा था कि यहां पर कोई भी खुश नहीं है, सब लोग यहां से निकलना चाहते हैं। जलील भाई, यह समझौता हमारी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखा सकता है। जो बात हो ही नहीं सकती राजन, उसके बारे में बहस मत करो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए जली भाई। जिस लड़ाई को आप राणा की मौत से खत्म करना चाहते हैं, उस लड़ाई में आपकी भी तो जान जा सकती है। इस धंधे में आते ही सबसे पहले इंसान को अपने अंदर से मौत का खौफ दूर करना होता है। अगर जान की परवाह होती तो आज मैं इस धंधे में ही नहीं होता।
अगर आपको अपनी जान की परवाह नहीं होती तो आप अपनी जान की हिफाजत के लिए इतने सारे लोगों को अपने साथ नहीं रखते। देखिए जलील भाई, अब बहुत हो चुका है, ये लड़ाई बंद कर दीजिए। हाँ, लड़ाई खत्म हो सकती है मगर एक शर्त पर। वो राणा का बच्चा मेरे पास आकर, मेरे सामने झुककर, मेरे पैरों पर सर रखकर माफी मांगेगा तो। ठहरो राजन। जाओ। वहां से लेके यहां तक मेरे छोकरे लोग ने तेरे को इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि मेरे को सुनने का है। तो मेरे से क्या बात करना चाहता है? देखो राणा, मैं यहां पर आपसे कोई झगड़ा करने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपका और जलील भाई का समझौता हो जाए। जलील से कंप्रोमाइज? तू कोई नया प्लान बना के आला क्या? नहीं राणा, इसमें कोई भी प्लान नहीं है। मैं वाकई में चाहता हूं कि आप दोनों का समझौता हो जाए। ठीक है, मैं तेरे जलील से मांडुली करने को तैयार हूं, लेकिन वो दाढ़ी मूछ मुंडवा के, साड़ी पहन के, हिजड़े की तरह मेरे सामने डांस करे, 25 पेटी मेरे को दे, फिर मैं उसके साथ मांडुली करता हूं। बोल। ठीक है, जलील भाई को आपकी हर शर्त मंजूर है। चिरी उसकी। आप सिर्फ एक बार उनसे मिल तो लीजिए। ठीक है, तो मेरे को बोलना किधर आने का है, मैं आता हूं। चलो चलो, जाने दे इसको। मिलता हूं मैं उस जलील को भी।